सब्सक्राइब करें गार्निंग बॉय को और दबाएं बेल का आइकन और उसे सेलेक्ट करें ऑल पर ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सके। सभी दोस्तों का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कनेर पे। तो देखिए दोस्तों ये है कनेर का प्लांट। अगर आप लोग ऐसे प्लांट लगाना चाहते हैं जिनकी ज़्यादा केयर ना करनी पड़े तो उन्हीं में से एक प्लांट है कनेर। दोस्तों कनेर बहुत ही खूबसूरत प्लांट है पर ये थोड़ा जहरीला प्लांट। तो यही है कि इसकी जो हमें पत्ती हैं जो इसमें लिक्विड निकलता है वाइट कलर का वो हमारे हाथों पे नहीं लगना चाहिए। तो दोस्तों ये देखिए हमने इसे बाल्टी में लगा रखा है, इसी में हमने ये रोज मॉस भी लगा रखा है। तो दोस्तों इस प्लांट को लगे हुए काफ़ी टाइम हो गया है पर अभी तक इसमें फ्लावरिंग नहीं हुई है। तो आज हम इसकी फ्लावरिंग को बूस्ट करने के लिए देखिए हम इसमें ये थोड़ा सा पोटास डालेंगे ताकि इस पर फ्लावरिंग हो सके। और देखिए इस पर हमने ये हमने आधे चम्मच से कम हमने इसमें लिया है पोटास, तो ये हाफ टी स्पून है। तो इसे हम डाल देंगे किनारे किनारे हमको डालना है, जड़ों में नहीं जाना चाहिए ये। और देखिए ये है मैग्नीशियम सल्फेट, तो ये आपको गार्डनिंग शॉप पे अवेलेबल हो जाएगा। तो ये देखिए ये भी आप हाफ टी स्पून ले लीजिए और ये देखिए साइड साइड में डालें। और आप इसका डोज जब भी लें, देखिए मेरी ये बाल्टी है जो 20 लीटर की है तो उसमें मैं हाफ टी स्पून ले रहा हूँ। अगर आपका बकेट छोटा है या छोटा सा गमला है तो आप कम डालें, ज़्यादा ना डालें। तो अब हम इसमें डालते हैं ये डीएपी। तो डीएपी हमारी जो फ्लावरिंग है उसे बूस्ट करेगी, उससे हमारे कनेर पे बहुत जल्दी फ्लावरिंग होएगी। तो हम डाल देते हैं इसमें डीएपी। ये देखिए मैंने कम से कम 15 से 20 दाने ले रखे हैं, तो ये भी हाफ टी स्पून ही है तो इसे भी हमने डाल दिया है। अब हमको इसमें वाटरिंग करना है। जब भी आप कोई फर्टिलाइज़र केमिकल फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो पानी ज़रूर डालें। तो अब हम इसमें पानी डाल देंगे। तो पानी डालने के बाद इसे रख देंगे और इसी वीडियो में बने रहिए, इसी में आपको हम इसका रिजल्ट भी दिखाएंगे। तो हम बहुत अच्छे से जब तक इसे पानी देंगे जब से नीचे से पानी ड्रेन आउट ना होने लगे। अब देखिए अब हम इसको रख देंगे इसके हाल पे। तो आप वीडियो में बने रहिए। तो अभी हमारे देखिए इस पर बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं है। अब देखते हैं कि कितने दिनों बाद इसमें फ्लावरिंग होती है। आप वीडियो में बने रहिए, इसी में आपको रिजल्ट इसका मिलेगा। तो फाइनल दोस्तों हमारे प्लांट को 18 दिन बीत गए हैं और देखिए इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है। देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत फ्लावर जो है खिल के आए हैं। देखिए तो इनके फ्लावरों पे एक चिड़िया होती है वो बहुत आती है। और ये देखिए कलियां भी लग गई हैं कई जगह। अब धीरे धीरे इन पर फ्लावरिंग जो है कि खिलती रहेगी। किसी दिन 4 फूल खिलते हैं, किसी दिन 5 खिलते हैं, ऐसे करके इनमें डेली फ्लावरिंग होती है। तो आप भी ये तरीका आजमाएं। पर आपको मेरा दिया गया ये जानकारी अच्छी लगी हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों आपको हमने पूरा रिजल्ट दिखा दिया है। तो दोस्तों इसी तरह आप भी अपने प्लांट को बूस्ट कर सकते हैं अगर उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो देखिए और इसको एक बात का ख्याल रखना कि इसको आपको फुल सनलाइट देनी है, क्योंकि ये जो प्लांट है ऐसे हैं कि इन्हें कोई भी ग्रीन नेट के नीचे रखने की ज़रूरत नहीं है। इन्हें आप फुल सनलाइट दें तभी अच्छे से ये फ्लावरिंग करेंगे।
तो आप देख सकते हैं बहुत ही ग्रीन जो है कि हो गया हमारा प्लांट। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में।